हेलो एवरीवन, यह है एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 पूरा 3 वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखो, आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी फालतू के बकवास के लेसन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बस एक बात आप समझ लें कि हम चाहे तो बिल्कुल शॉर्ट में इस लेसन को पढ़ा सकते हैं और बाकी के लेसन को भी शॉर्ट में पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद शॉर्ट में पढ़ाना नहीं है, आपको एक एक लाइन में पढ़ पढ़ करके आपको समझाना है और क्लास वाली फीलिंग आपके अंदर लानी है, ताकि आपको ऐसा लगे, वीडियो को देखते वक्त आपको लगे कि आप क्लास में बैठे हुए हो और कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। और जो कोई क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं पर कठिन सवाल आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन और कठिन सवाल को भी हम देखेंगे और आपको भी पार्टिसिपेट करना है, आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलो अब लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो पहला प्रारंभिक समाज, हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था, तो प्रारंभिक समाज कैसा हुआ, कैसे डेवलप्ड हुआ, अब हम पढ़ेंगे उसके बाद लेखन कला और शहरी जीवन का निर्माण कैसे हुआ। तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। तो मेसोपोटामिया आज के इराक को कहा जाता है, ठीक है, आज के इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता है, कहा जाता था। तो फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है, ठीक है। तो फरात और दजला दो नदियाँ, और इसके बीच में ये इराक है, जहाँ पर पहले प्राचीन नाम इराक का मेसोपोटामिया हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है, अब मेसोपोटामिया को आज वर्तमान में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में इराक कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं किताब से, क्वेश्चन कहीं बाहर से किसी की अकल से नहीं निकल कर के आते, क्वेश्चन सब किताब से ही होता है। असल बात ये होती है कि हम किताब को पढ़े नहीं होते हैं, और जब क्वेश्चन आता है तो बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के प्रसिद्ध है। तो मेसोपोटामिया उस वक्त में काफ़ी संपन्न हुआ करता था, समझ लीजिए उस दौर का अमरीका था, समझ रहे हो, जैसा अमरीका आज है। तो मेसोपोटामिया उस दौर का अमरीका समझ लो, वहाँ का लोग काफ़ी संपन्न थे, दौलत की कमी नहीं थी, शहरी जीवन काफ़ी मॉडर्न था, विशाल समृद्ध साहित्य था, गणित और खगोल विद्या में लोग बहुत आगे थे। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूरे भूमध्य सागरीय प्रदेश और उत्तरी सीरिया तथा, देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश कहाँ है, अरब सागर के करीब से मध्य पश्चिम की तरफ आप नक्शा में जाकर के देखो, तो अरब सागर से सटी हुई जितना भी कंट्री है, और वहाँ पर एक भूमध्य सागर है, ठीक है। तो भूमध्य सागर प्रदेश उसी को जोड़कर वो नाम दिया जाता है। और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। तो ये मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली, अब उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व आप समझ रहे होंगे, ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म के पहले, ठीक है, फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे, और फिर जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला, हमने अभी पढ़ा, ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों तक फैला लेखन कला, मेसोपोटामिया की लेखन कला भूमध्य सागरीय प्रदेशों तक फैला, उत्तरी सीरिया और तुर्की ये 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला वहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा, और फिर वहीं पर मिस्र भी है, मिस्र के साथ मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। तो हम यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की तो देखेंगे, यहाँ पर लोगों की लेखन कला और शहरी जीवन के बीच में क्या संबंध था,
और फिर कैसे सतत परंपरा कैसे विकास हुई वो देखेंगे। तो मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्द, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको ये बनेगा। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस यानी मध्य और पोटास यानी नदी से मिलकर बना है। तो मेसोपोटामिया को इराक को इराक मेसोपोटामिया का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बीच के ग्लोब के बीच में है यानी कि मध्य में है, और पोटेमस ये इसलिए है क्योंकि ये नदी से दो नदी से मिलकर बना है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया यूनानी शब्द है, मेसोस का मतलब होता है जो मध्य में है, और पोटेमोस से तात्पर्य यह है कि यह दो नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजाल और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। तो ये दो नदियां कौन हैं जिसके बीच में ये इराक है, ये दजला और फरात नदियों के बीच है जो काफ़ी उपजाऊ मतलब वहाँ के भूमि को बना करके रखती है। तो अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को नीचे सुमेर और अक्कद कहा जाता था। तो अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में, ठीक है, जब इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ इनिशियल स्टेज में, तो इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत यानी कि इसके दक्षिणी भाग में जो शहर बसा हुआ था वहाँ पर सुमेर और अक्कद कहा जाता था। नीचे विवरण देखें, सुमेर और अक्कद क्या होता है, तो सुमेर और अक्कद कोई जगह का नाम है। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक शहर बन गया 2000 ईसा पूर्व के बाद, यानी कि ईसा के जन्म के 2000 पहले जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि इनके दक्षिणी क्षेत्र को सुमेर और अक्कद, ठीक है, इनके दक्षिणी क्षेत्र को ईसा के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व इनको जब ये विकसित हो गया, ये शहर डेवलप्ड हो गया, तो इसी क्षेत्र को दक्षिण क्षेत्र को जिसको अक्कद और सुमेर कहा गया बेबीलोनिया के नाम से कहा जाने लगा। तो लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब 80 राइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, यानी कि 1100 ईसा पूर्व में 80 राइयों ने उत्तर में यानी कि उत्तर दिशा में जब 80 राइयों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। ठीक है, समझ रहे बात, अब सीरिया देख रहे हो, सीरिया बिल्कुल असीरिया के शब्द से ही ये निकल करके यहाँ पर हम जो प्रेजेंट में सीरिया जो बोलते हैं ना, ये असीराइयों ने जब अपना राज्य स्थापित कर लिया तो उसको असीरिया कहा जाने लगा, और फिर असीरिया से आज सीरिया कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी था, यानी कि उत्तर उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा जो उस टाइम में सबसे पहला जो हम जानते हैं जो भाषा बोली जाती थी वो सुमेरियन यानी कि सुमेरी भाषा बोली जाती थी। और धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा के लोग यहाँ आ गए तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। और 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा के लोग यहाँ आ गए तब अक्कदी भाषा ने यहाँ पर सुमेरी का स्थान ले लिया। तो अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक, यानी कि 323 से 326 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। यानी अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 323 से 336 तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन, यानी कि क्षेत्रीय परिवर्तन देखो समझो, अभी आप हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन हमारे हिंदी लैंग्वेज क्या हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हमने इसमें कितनी त्रुटियां कर दी, हमारे बोलने के अंदाज में कितना बदलाव आ गया। ठीक है, अब हिंदी में ही कितना सारा लैंग्वेज हमने निकाल दिए अपने घरेलू डोमेस्टिक तरीके से बोलते बोलते। तो उसी तरीके से अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 323 से 26 के तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन, यानी कि क्षेत्रीय उसी इस तरह का जैसा कि हमने हिंदी को परिवर्तन कर दिया कुछ थोड़ा थोड़ा जो हम अपने डेली के लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ ये फलती फूलती रही, आगे बढ़ती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यानी आप देख रहे हो 2000 ईसा पूर्व हमने देखा कि दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा, यहाँ पर अक्कद भाषा का स्थान लिया, सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कद भाषा ने लिया,
और फिर धीरे धीरे 24वीं ईसा पूर्व के आसपास अकदी भाषा के लोग, जब अकदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया तो सिकंदर के समय कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ ये फलती फूलती रही और 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामिक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। ठीक, याद रखो, तो 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामिक भाषा को भी प्रवेश शुरू हुई। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी, तो हिब्रू आज यहूदियों का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये जो भाषा है, यानी कि जो अक्कदी भाषा है, ये अक्कदी भाषा सिकंदर के समय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही और 1400 ईसा पूर्व धीरे धीरे आरामिक भाषा का भी प्रवेश हुआ और इसको, इस भाषा का जो है मिलाव हिब्रू से जरा मिलता जुलता है। और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी, या आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। यानी कि ये भाषा, क्या नाम है इसका, अरामिक भाषा, ये काफ़ी बोली जाने लगी और ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती है। और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से ज़्यादातर लोग यही भाषा बोलने लगे और इराक में आज भी कुछ लोग जो है इस भाषा को बोलते हैं। तो ये भाषा कौन है, अरामिक। तो मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों ने खोज की शुरुआत 1840 दशक में हुई। तो मेसोपोटामिया यानी कि इराक में पुरातत्वविद यानी कि वही जो पुरानी चीज़ों के साक्ष्य खोजते हैं इतिहास को ढूंढ निकालने के लिए। तो 1840 दशक में ये शुरू हुई, वहाँ पर खोजबीन छानबीन 1840 दशक में शुरू हुई। तो वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे उरुक और मारी, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, मतलब आगे होगा इसके बारे में चर्चा, उत्खनन कार्य कई दशकों चलता रहा। यानी कि वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे उरुक या मारी, ये दो जगह हैं, वहाँ पर उत्खनन आप समझ रहे हो, कार्य कई दशकों तक चलता रहा। ठीक है, तो कई दशकों तक चलता रहा। तो भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई कोई परियोजना नहीं चली, मतलब इतना साल तक 1840 से देख लें, उरुक और मारी जगह पर मेसोपोटामिया के पुरातत्व खोजों की शुरुआत चल रही है और भारत के बारे में बताया जा रहा है कि इतना लंबा टाइम तक भारत पर खनन का कोई परियोजना अभी तक नहीं चली है। और इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं? इतिहास के साक्ष्य तो हमें ज़मीन के नीचे से ही तो प्राप्त होती है ना। तो एक लंबे दशक से यहाँ पर खुदाई चल रही है मेसोपोटामिया में, उरुक और मारी जगहों पर, इतना लंबा परियोजना अभी तक भारत में कभी नहीं चली और यहाँ पर चल रही है। तो इससे हमें कई सारे स्रोत इतिहास को निकालने में मदद करती है। जैसे कि मूर्तियाँ वहाँ उस दौर के कई सारी चीज़ों के बारे में बताती है, उस दौर के आभूषण, कब्रों, औजारों और मुद्रा का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखे दस्तावेज का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग, यानी कि यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया उस वक्त इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। मतलब समझो, बाइबल क्रिश्चियनिटी का एक होली बुक है। ठीक है, मुसलमान भी बाइबल को आसमानी किताब मानते हैं, यानी कि ईश्वरीय वाणी मानते हैं। और यही बाइबल जो है ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का एक होली बुक है। तो ईसाइयों का दिलचस्पी मेसोपोटामिया में दरअसल इस वजह से हुई क्योंकि बाइबल में कई संदर्भ में मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है। तो इस वजह से यूरोपवासी को, यानी कि ईसाइयों को, इस स्थान को लेकर थोड़ा दिलचस्पी हुई, जिसके वजह से दशकों तक यहाँ पर खुदाई चल रही है और इतिहास को निकालने के साक्ष्य और चीज़ों को जानने की उत्साह लोगों के अंदर अभी तक बनी हुई है। तो उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस, यानी कि देखिए, आपको हम बता दें, ये जो बाइबल है ना, बाइबल के तकरीबन पाँच छः बाइबल है। बाइबल सिर्फ एक नहीं है, बाइबल पाँच छः तरह का बाइबल है। बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ जॉन्स, बुक ऑफ ऐसे कई बाइबल है। ठीक है, तो 5-6 बाइबल्स हैं। तो इसमें हम बात करें बुक ऑफ जेनेसिस, ये भी बाइबल है। तो बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार का उल्लेख है। ठीक है, बाइबल के कई सारे संस्करण हैं, 5-6 तरह के बाइबल है,
तो बुक ऑफ जेनेसिस वाले बाइबल में सीमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यानी कि समझ रहे बात, सीमार वर्ड है जिसका उल्लेख इस तात्पर्य से है कि अर्थात सुमेर ईंटों से बनी शहर, यानी कि सुमेर ईंटों से बनी शहर, ये मेसोपोटामिया की तरफ जो है इशारा कर रही है, मेसोपोटामिया की तरफ ये इशारा कर रही है। तो देखिए बुक ऑफ जेनेसिस में ये बातें हैं। तो यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। यूरोप वासियों को लगता है कि मेसोपोटामिया उनके पूर्वजों की भूमि है, क्योंकि बाइबल में के संदर्भ से इसके बारे में कुछ चीज़ें मिलती है। ठीक है, बुक ऑफ जेनेसिस का जैसा कि यहाँ पर रिफ्रेंस दिया गया है, ठीक है। और जब इस क्षेत्र में पुरातत्व की खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः, ठीक है, सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। मतलब जो बात, जो शब्द का यहाँ पर कहा गया, जैसे कि ये शब्द जो बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा सीमार, और सीमार का उल्लेख किया हुआ ईंटों से बनी शहर, तो इसके साक्ष्य को ढूंढने का, सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। तो 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। मतलब अभी तक देख ले, 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने, मतलब 1850 ईस्वी से लेकर अब तक मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने की जो उत्साह लोगों के अंदर, जानने की खास तौर से ईसाइयों के अंदर, ये अभी तक कम नहीं हुई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, और जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल पलावन की कहानी का अंकन था। देखो, जल पलावन की जो कहानी है ना, ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा जो है प्रलय आया था ज़मीन पर, पूरी पृथ्वी जो है जल से भर गई थी, और केवल एक कश्ती था जो जिसमें कुछ लोग सवार थे, और उस कश्ती के सवार पर जो लोग थे उस कश्ती के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही बचाए गए, बाकी पूरी पृथ्वी को डुबा दिया गया। तो एक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन ये जो है इतिहास है, तो इसका उल्लेख बाइबल में भी है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, इसका उल्लेख हमारे धार्मिक किताबों में भी है, इसका उल्लेख कुरान में भी है, और इसका उल्लेख कई सारे किताबों में मिलता है। तो इसका इंटरेस्ट सन 1873 में ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, और जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल पलावन की कहानी का अंकन था। तो जल पलावन की कहानी के राज को खोलने का ये एक बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरशः सही नहीं है। मतलब ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी, जो बुक ऑफ जेनेसिस की बात की, 1960 तक ये समझा जाता था कि इसमें कुछ ये कहानियाँ जो बताई जा रही है ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है, कुछ चीज़ें है जो अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है, और धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकी अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी कि उस दौर में कैसे चीज़ें चलती थी। बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के आने अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परवर्ती अध्ययनों पर आधारित है। ठीक है, तो बाइबल के अनुसार यह जल पलावन की पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन का नष्ट करने वाला था। जैसा कि मैंने बताया कि जल पलावन का जो घटना है ये काफ़ी किताबों में लिखा हुआ है, किंतु परमेश्वर ने जल पलावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ, देखिए आप जानते होंगे मुसलमान इनको नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, लेकिन बाकी धर्म में जो हिंदू के धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी नूह का जिक्र है, लेकिन वो नूह को नहीं जानते। ईसाई धर्म की किताबों में भी नूह का जिक्र है, लेकिन बहुत कम लोग नूह के बारे में जानते, लेकिन मुसलमान नूह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। नूह, अगर नूह अलैहिस्सलाम कह दो तो मुसलमान फ़ौरन पहचान जाते हैं। तो नूह नाम के एक मनुष्य को चुना, नूह ने एक बहुत विशाल नाव बनाई, मतलब एक स्टोरी है यहाँ पर। बाइबल के अनुसार भी
मतलब बाइबल में भी ये स्टोरी है, कुरान में भी स्टोरी है, वेदा में भी ये स्टोरी है, लेकिन कुछ बिगड़े हुए शक्ल में है और अस्पष्ट रूप से थोड़ा थोड़ा मतलब कहीं कहीं मतलब बातें मिलेगी, लेकिन आपको बहुत अकल लगाना पड़ेगा। तो नोआ के बारे में यहाँ पर जल पलावन की जो कहानी है, तो लगता है मुझे वीडियो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पार्ट में इसका लाऊंगा, तो अगले नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। ओके, थैंक यू।